ध्यान तेज कर दिया। खुद प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, रुद्रपुर नगर निगम प्रभारी, वित्त मंत्री प्रकाश पंत और बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी का माहौल बनाने में लगे हुए। महानगर बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने आए वित्त मंत्री प्रकाश पंत से खास बातचीत की हमारी रिपोर्टर भरत शाह ने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री और जो नगर निकाय यहाँ का रुद्रपुर का है उसके प्रभारी भी आइए, उनसे बात करते हैं। पंजी, क्या माहौल लग रहा है, जिस तरह से आप यहाँ के प्रभारी में हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरह का वातावरण देखने में आ रहा है और विशेष तौर पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से इस बात को परिलक्षित करता है कि जनता के मध्य बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे पक्ष में वातावरण है। विशेष तौर पर ये नगर निगम रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो रुद्रपुर नगर निगम में हमारे दो तो प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हो चुके हैं, उसके साथ साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं मेयर के, उनके पक्ष में अनेकों कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हमारी सदस्यता ली है। दूसरा जो विषय यहाँ पर जमीन से संबंधित, भूमिधरी अधिकारों से संबंधित है, जिसको 5 वर्ष तक कांग्रेस ने उलझाए रखा और उसके कारण जो दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा, उसका समाधान हम लोगों ने करने का संकल्प लिया है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याओं के समाधान करने के लिए नगर निगम में हमारा मेयर बेहतर तरीके से काम कर सके, इस बात का भी प्रयास हम लोग करेंगे। ये जनसामान्य को भली बात समझ में आ चुका है, इसलिए हम प्रचंड बहुमत में से इस चुनाव को जीतेंगे। अपन जी, अगर बात की, कहीं ना कहीं पूर्व मेयर के पति हैं सुरेश कोहली, उन्होंने पूरे तरीके से आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चुनाव लड़ने की बात भी करें, कहीं मनाने के प्रयास हो रहे हैं कि क्या कहना है? देखिए, जब मुख्य धारा से कट जाता है आदमी तो उसके मुख्य धारा से कटने के पश्चात तो उनका कोई वजूद नहीं रहता, ये इतिहास साक्षी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, जो इस राजनीतिक दल के अंदर रह करके यहाँ की राजनीति करता है वही सफल हो सकता है। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री प्रकाश पंत। साफ तौर से कह रहे हैं कि जो चुनाव है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रहेगा और साफ तौर से उन्होंने कहा कि असंतुष्टों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिया वॉइस के लिए भरत शाह की रिपोर्ट।